चित्तौड़गढ़ के बेगू विधायक राजेंद्र सिंह बिधुड़ी ने भैंसरोडगढ़ थाना अधिकारी से जमकर गाली गलौज की। इसका एक ऑडियो भी सामने आया है। 37 मिनट के इस ऑडियो में बिधुड़ी 103 बार गालियां देते हुए सुनाई दे रहे हैं। अतिक्रमण के एक मामले में मन मुताबिक धारा नहीं जोड़ने से भड़के हुए एमएलए ने एसएचओ को बर्खास्त करने तक की धमकी दी थी। ऑडियो में एसएचओ संजय गुजर गाली ना देने की बार बार गुजारिश कर रहे हैं। ऑडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। वहीं विधायक का कहना है कि ऑडियो मॉडिफाई किया हुआ है, मैं तो गालियां देता ही नहीं। ऑडियो सामने आने के बाद एसएचओ संजय गुजर गुरुवार को एसपी प्रीति जैन को एप्लीकेशन दी और कहा कि वह विधायक के दबाव में काम नहीं कर सकते, ऐसे में उन्हें लाइन में भेज दिया जाए, और इस पर एसपी ने उन्हें लाइन में भेज दिया। हालांकि लाइन में जाने से पहले एसएचओ ने भैंसरोडगढ़ थाने में विधायक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। दरअसल अतिक्रमण के मामले में एसएचओ ने मनमाफिक धारा जुड़वाने को लेकर विधायक की बात मानने से इनकार कर दिया। इस ऑडियो में हेमराज के और संजय वाधवा केस का भी जिक्र किया हुआ है। इस पर थाना अधिकारी गुजर ने कहा कि जब कोई केस बन ही नहीं रहा तो मैं जबरदस्ती कैसे कर सकता हूं। उन्होंने बार बार कहा कि मुझे फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन आपके कहने पर मैं गलत काम नहीं करूंगा। विधायक बिधुड़ी ने संजय गुजर को 15 दिन में बर्खास्त करने की धमकी दी और यह भी कहा कि मेरा काम छोड़ने की हिम्मत भी कैसे हुई। ऑडियो में एसएचओ संजय गुजर ने कहा कि गंदी गालियां सुनने के लिए मैं पुलिस में भर्ती नहीं हुआ। अंत में उन्होंने विधायक को गाली नहीं देने के लिए हिदायत दी, लेकिन विधायक तब भी नहीं माने। इस पर एसएचओ ने फोन काट दिया। पहले आप ये ऑडियो सुन लीजिए। और मैं चला गया उधर। उसके बाद मैंने सर ऐसा कुछ नहीं कहा, उसका फोन आया तो मैंने कहा एक मिनट में आपको बता रहा हूँ। उस दिन राजा राम ने बोले ना पड़ती है सही वहाँ कहा भर के चला गया। तो फिर मैं मेवात चला गया सर ट्रैक्टरों के मामले में। हेमराज केस में तो जितने बार उसी बार में ट्रैक्टर पकड़ना था जब मैं आकर अब सर एसपी मैडम का फोन आ रहा है तो मैं नहीं जाऊं तो आप बताओ मैं क्या करूं। के पास गए फिर वो डिप्टी साहब और मैं क्या करूं। मैंने बोला अभिषेक यहाँ बैठा और तूने कहा कि बढ़ती है, थानेदार ने कहा बढ़ती है। पहले गिरफ्तार तो अपन उसमें भी नहीं कर सकते, 420 भी लगेगी तो वो भी वो बयान दे रहा। तू कहता वो बयान दे देगा तो 420 भी तो अवेलेबल है सर। 420 सारी मैंने डिप्टी के बाद सुनी नहीं कि गुजर करके तो भगवाना चाहता होगा राजेंद्र उसकी राजेंद्र जैन की उसने क्लियर कट रिपोर्ट दी मुझे। ये दोनों चोर हैं, आस्तीन के साथ है, आप इसको छोड़ो मत, इस बार तो सस्पेंड हो दो, इस बार जांच होगी तो आ जाएगा बिधुड़ी साहब। सबसे बड़े संजय गुजर है, कहते हैं मेरे इसमें लात मार दी आपके दम पर दादागिरी कर रहा है। मैं सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक एक चीज रिकॉर्ड। तू कट तू तो गाली कैसे दे सर पे चढ़ गया जा तू। मैं आपको जो फांसी चढ़ानी चढ़ा दो, मैं गलत काम नहीं करूंगा आपके कहने से। गलत काम नहीं करूँ नहीं करूंगा मैं, बोलो कोई गलत काम नहीं करूंगा मैं। ये गलत काम है क्या? गलत काम है? अरे जो बनेगा वही तो करूंगा मैं। बना मैं बीमार पड़ा हूँ, आदमी मर रहा है और रात दिन गाली, माँ बहन की गाली, माँ बहन की गाली। हाँ बीमार सुना आपने। अब पूरे प्रकरण पर विधुड़ी ने यह कहा कि ऑडियो एकदम झूठ है, उसको मॉडिफाइड किया हुआ है और वह इस तरह से गंदी गंदी गालियां कभी नहीं देते हैं, ये उन्हें बदनाम करने के लिए वायरल किया हुआ है। एसपी प्रीति जैन ने बताया कि ऑडियो पूरा सुना है, लेकिन किसके बारे में बातचीत हो रही है ये पूरी तरह से समझ नहीं आया। रावत भाटा में कोई मामला दर्ज किया गया था जिसकी जाँच संजय गुजर द्वारा की जा रही थी, फाइल मंगवाई है, उसके बाद ही पता चलेगा कि मामला क्या है। उन्होंने बताया कि एसएचओ ने एप्लीकेशन देकर पुलिस लाइन में काम करने की
की इच्छा जाहिर की थी और इसलिए इसके बाद उन्हें लाइन में भेज दिया गया है। चलिए आपको भी बता देते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। रावत भाटा निवासी एक व्यक्ति की लोठियाना गांव में कृषि भूमि है। इसमें बरसों से खेती के साथ उसके खिलाफ अतिक्रमण को लेकर धारा 91 की कार्यवाही चल रही है। हाल ही में SDM की ओर से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मामला भैंसरोडगढ़ थाने में दर्ज करवाया गया। इसे ये कहते हुए 420B का मामला बनाने का दबाव बनाया जा रहा है कि सरकारी खेती की भूमि को ठेके पर दे दिया, जबकि ऐसे मामलों में ठेके पर भूमि राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में दी जाती है। आमतौर पर खेती के अतिक्रमण को नोटिस देकर हटा दिया जाता है। इस मामले में कब्जादारी संजय वाधवा ने हाईकोर्ट में रिट लगाकर जमानत ले ली और इससे विधायक नाराज हो गए। वाधवा के परिवार के साथ रावत भाटा में भी अतिक्रमण की कार्यवाही हुई तो उसमें भी स्टे मिल गया। संभवतः इसी बात से विधायक खफा हो गए और थानेदार को फोन लगाकर धमकाने लगे। इससे SHO स्पष्ट तौर पर यह कहते हुए सुने गए कि जब धारा 420 बनती ही नहीं तो कैसे लगाता। तो यह था पूरा मामला जिस पर विधायक भड़क गए थे। उम्मीद आप समझ गए होंगे।